हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है और संडे स्पेशल क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं अपना सेट पेपर नंबर 15, जो कि आज आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 100 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ओ लेवल गुरुजी चैनल पर हमारे जुलाई एग्जाम के लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी लगभग हम लोग 1000 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं आप लोग के लिए लाया हूं नेक्स्ट अपने टॉप 100 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हम लोगों का यहां पे जो टारगेट है वो पाइथन का 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट है। 1000 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द अब आपको M1 की क्लासेस, जो आपकी MCQ क्लासेस है, वो भी मिलने वाली है, M2 की भी मिलने वाली है, M3 की तो हमारी कंटिन्यू चली रही है। ठीक है, तो M1, M2 और M4, ठीक है, अभी M4 की भी आने वाली क्लासेस है आप लोग के लिए, MCQ आने वाले हैं M4 के। आज आपका संडे है, आपको पता है ओ लेवल गुरुजी पे हर संडे की स्पेशल क्लास अपलोड होती है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों का जो भी हमारी तरफ से जो भी क्लास अपलोड की जाती है उसको आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे ओ लेवल गुरुजी पे क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम आपको बताते दो आपको क्वेश्चन देते हैं, जो लोग भी और उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं वो हमारे विनर्स होते हैं। विनर्स का नाम हम लोग अपने वीडियो में उनका, वो लोग जहां से बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से हमारे स्टूडेंट, उनका नाम यहां पे वीडियो में मैं अनाउंस करता हूं। ठीक है, तो अभी आपको दो क्वेश्चन भी आने वाले हैं, प्लस लास्ट क्वेश्चन के जिन्होंने आंसर सही दिए हैं उनके भी नाम अभी थोड़ी देर में अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोगों की मैराथन क्लास है जिसमें आप लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। बाकी वेबसाइट पे आपके नोट MCQ अपलोड हो चुके हैं, तो वेबसाइट हमारी careersknowledge.in, इस पर विजिट करिए। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन MCQ 2023 के नाम से, तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल से आप लोग कोई क्लास मिस नहीं करनी। आप सोचिए सेट पेपर नंबर 15 है, अभी हम लोग कम से कम 6 से 7 सेट पेपर और कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे कि कोशिश करेंगे जितना टाइम रहेगा ज्यादा से ज्यादा आपको सेट पेपर कराऊं। ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है वैसे हमारा 20 तक का तो टारगेट है ही है, लेकिन इसके आगे भी हम लोग कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको M1 के भी देना है मुझे, M2 के भी देना है और फिर उसके बाद M4। जिनको PDF चाहिए MCQ की, हमारा WhatsApp नंबर है, नोट्स प्लस PDF आपको सब मिल जाएगी, बस इस WhatsApp नंबर पे आप लोग WhatsApp करिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चार्ज है, उस चार्ज को पे करिए और आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि 6 जून के बाद से आप लोग स्पेशल PDF बन रही है, जिसमें आप लोग को 600 प्लस पाइथन के MCQ मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको भी वो 6 जून के बाद जो PDF बन रही है उसके MCQ चाहिए, क्योंकि वो उसी का ये चार्ज जो आप देख रहे हैं 499 रुपीज, उसमें आपके 600 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो 600 प्लस क्वेश्चन रहेंगे वो 499 रुपीज के, प्लस इसमें आपको 199 रुपीज के नोट्स पाइथन के फ्री मिल जाएंगे। तो आपको कितने का पड़ा, बस 200 रुपए के आपको नोट्स पड़ेंगे अगर आप लेंगे। तो ये वाला जो ऑफर रहेगा इसे 15 जून तक के लिए अवेलेबल है, 15 जून तक अगर आप लेते हैं तो आपको 199 रुपए के नोट्स फ्री मिल जाएंगे, और जो आपके 499 रुपए की पाइथन की PDF है उसमें आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को 6 तो सेट पेपर मिलेंगे 100-100 क्वेश्चंस के, प्लस उसमें कुछ आप लोगों को अलग से जो आप लोगों को मिलेंगे उसमें लगभग आपको 400 प्लस क्वेश्चन और मिलेंगे। तो ये मान लीजिए आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आपको 499 रुपीज में मिल रहे हैं, और वो 499 रुपीज में भी नहीं हो रहा, जस्ट आपके 200 रुपीज में हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन जरूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि मात्र आपको 200 रुपए के अंदर पूरे नोट्स 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और 1000 क्वेश्चन में से आपको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी को चैप्टर वाइज PDF चाहिए, जो लोग चैप्टर वाइज PDF चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज देखिए पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, हर एक चैप्टर में हमने 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो वो ओनली 99 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगी। तो 99 रुपीज में यहाँ आपको लगभग 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आप लोग के ऊपर है, आपको कौन सा लेना है, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कैसा क्या शेड्यूल है। ओके, तो अभी लेट ना करते अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमें क्या होना चाहिए, रूल्स याद होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल नेम हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, या तो अंडरस्कोर से होगा या फिर कैरेक्टर से होगा। इसके अलावा हमारे सारे क्या होते हैं, जो रहते हैं इनकरेक्ट रहते हैं। जैसे सिंपल सा है, a = 3 बिल्कुल सही है, यहाँ पे अंडरस्कोर रहेगा, अंडरस्कोर ये भी सही है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल गलत रहेगा। तो जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ये वाला, तो यहाँ पे ए का हमारा जो आंसर रहेगा ए क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हमारा ये क्या है, इनकरेक्ट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट सेगमेंट प्रिंट। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, और सी की वैल्यू क्या है,
फॉल्स है। अब यहाँ इफ नॉट ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, और ऑपरेटर लगा दिया। तो आपको पता है और ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी एक सही मतलब सही देता है, तो प्रिंट वन। ऐसे क्या है, एलिफ लगाया, एलिफ में क्या लगाया, नॉट ए और नॉट बी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा वो थ्री आएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन क्लासेस में, क्लासेस भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स विल बी प्रिंटेड बाय फॉलोइंग कोड, ठीक है, कितने नंबर इसमें प्रिंट होंगे जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, चलिए एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या है, डेफ फंक्शन है, डेफ फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या है, फॉर लूप है। फॉर लूप में आपका क्या है, इफ एक्स मॉडुलस 3, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इस तरह से आएगा, ठीक है, इंडेंट सेट नहीं होता है वर्ड में, तो मैं कर दिया। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आपका फंक्शन है, क्या जाएगी वैल्यू, 100 जाएगी, 100 वैल्यू किस में जाएगी, आपकी ए में, और फिर आपकी जो बी में जाएगी वो जाएगी आपकी 120। जब रेंज के अंदर पास होगा तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ पे बी प्लस वन मतलब 121, क्योंकि 120 आपकी वैल्यू है, प्लस वन आपकी 121। अब एक्स में सबसे पहले क्या आएगा आपका, जो ए में होगा, ए में क्या था 100, तो 100 मॉडुलस 3, क्या 100 में 3 से टोटल डिवाइड है, नहीं है, तो वो छोड़ देगा। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट आएगा जब वो यहाँ पे, फिर आपका आएगा 101, क्या 101 में पूरा डिवाइड है 3 से, नहीं है, फिर क्या आएगा आपका 102, तो 102 में डिवाइड है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 3 3 9 और 3 4 12, तो टोटल डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मतलब एक काउंट हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 से 121 तक जितनी बार डिविजिबल है नंबर, बस उतने हमें काउंटिंग करके बताना है, ठीक है, सिंपल सा कोड है सिर्फ इसको। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। सिंपल सा माइंड में इतना रखिए कि जितनी भी नंबर 3 से डिवाइड है बस उनकी काउंटिंग हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन आपका, ये रहेगा इस तरह से। ओके, अभी एक बार F5 प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करने का, इसमें कोई भी नेम दे दिया मैंने, नेम देने के बाद अभी इसमें एक्सपेक्टेड इंडेंट आएगी, क्योंकि क्या किया है हमने यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, अभी इन यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि एक्स मॉडुलस 3 1 मिनट, ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट की वजह से एरर आ रही है, और बाकी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी पीछे जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वो बता रहा है कि कितने डिविजिबल है। अब अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो तो इस तरह से स्पेस दे देता हूँ मैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी 3 से डिविजिबल है वो हमें काउंट करने थे, ठीक है, तो कितने डिविजिबल आए हमारे यहाँ पे, 7 डिविजिबल आए। तो इसका जो आंसर रहेगा, आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 7, ठीक है। ये छोटी मोटी कोडिंग है, आपको इतना एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, इसीलिए मैं कोडिंग बोलता हूँ कि आप लोग करिए, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 7। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। अब यहाँ पे भी देखिए क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है डेफ मिनिमम, और यहाँ पे बोला है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो रिटर्न x करे, और दूसरा अगर क्या है, एलिफ यहाँ पे लगाया हुआ है, एलिफ यहाँ पे जो लगा हुआ है इसमें क्या है, अगर x एक्चुअली माइनस नहीं है, ये इक्वल है, x इक्वल इक्वल y है तो रिटर्न करे हमारा क्या, द नंबर आर इक्वल, और अगर x इक्वल आपका क्या है, अदरवाइज क्या है, रिटर्न करे y, ठीक है। और वैल्यू हम लोग कहाँ से भेज रहे हैं, वैल्यू हम लोग ये भेज रहे हैं, ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ पे ये भेज दी हुई है। अब आप खुद ही सोचिए, 10 सबसे पहले 2 किस में जाएगा, x में, और 3 किस में जाएगा, y में जाएगा। क्या 2 इज ग्रेटर देन y, नहीं है, नहीं करेगा। क्या 2 इक्वल इक्वल है, नहीं है। फिर क्या है, आखिर आएगा कहाँ पे, else पे, तो else में कितना आएगा y, तो y मतलब 3, आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। इस तरह की कोडिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट। ये इन फाइल जो है आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी लाइनों को यहाँ पे रीड करेंगे। तो आपको पता है एक फंक्शन होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, रीड लाइन्स फंक्शन के द्वारा हम लोग ये करते हैं, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सिंपल सा इंटीजर ए बी, मतलब ये कुछ नहीं होता है, स्यूडो कोड सिंपल सा होता है, एल्गोरिदम के पहले का पार्ट होता है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो एल्गोरिदम के पहले का जो पार्ट होता है स्यूडो कोड होता है। इसमें डायरेक्ट मतलब कोई इसमें सिंटेक्स मिनटेक्स नहीं होती है, सीधा ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू ए मॉड ए माइनस 3, ए इक्वल टू ए मॉड माइनस 3, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया बी इक्वल टू बी मॉड माइनस 3, इस तरह से बी इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया है बी मोड माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे 9 माइनस 6, फिर इसमें क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, जो भी मोड आएगा उसमें उन्होंने क्या कर दिया, दोनों का ऐड करके लिख दो। तो जब आप ऐड करोगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा है, यहाँ पे 9 आएगा, फिर इसका मोड निकालेंगे, ये 9 माइनस 6 कितना, 6, फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका जो मोड आएगा, और फिर ए प्लस बी को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली ये स्मॉल ए, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई सिंटेक्स का कोई रूल नहीं होता स्यूडो कोड में, इस वजह से। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन फ्लो चार्ट, ठीक है।
कितना कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ये पूछ रहा है हमसे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है इनपुट के पैरेलोग्राम का यूज करते हैं, रेक्टेंगल का हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, सर्किल का भी कोई नहीं है, डायमंड डिसीजन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है, अगेन सेम कोड दिया हुआ है पाइथन का। अब इसमें देखिए एग्जीक्यूट करने की बात है तो बहुत सिंपल है, ये मैं आप लोग समझ जाइए, सिंपल सा है, देख लीजिए। चलिए थ्री वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी, फोर में कितनी जाएगी आपकी बी, फोर वैल्यू जाएगी बी में, फिर ए इज ग्रेटर देन, क्या थ्री इज ग्रेटर देन फोर है, नहीं है, क्या थ्री इक्वल नहीं है, नहीं है, फिर बी इज मैक्सिमम, बी मतलब फोर, बिल्कुल सेम वही कोड है, तो आंसर क्या आएगा, फोर इज मैक्सिमम, जहां पे लिखा है फोर इज मैक्सिमम, फोर मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है कि हमें कहाँ कैसे प्रिंटिंग करनी है, तो इस तरह के कोड अगर आएंगे तो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है और ये हमने एक लिस्ट दी है और एड आइटम यहाँ पे लिया है और फिर हमने यहाँ पे देखिए एड आइटम क्या एक फंक्शन है, यहाँ ये लिस्ट पास की जाएगी और ये आपका क्या है एक लिस्ट पैरामीटर है, तो उसमें हमने क्या किया, लिस्ट में आपका सिंपल सा रहेगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है आपके फोर्थ है, एक एलिमेंट इसमें और जुड़ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को इसमें ऐड किया हुआ है, जब ये एलिमेंट आपका जुड़ेगा तो इससे क्या होगा, फिर उन्होंने कहा लेंथ फाइंड करो, तो फोर वैसे थी कितनी हो जाएगी फिर आपकी लेंथ, फाइव लेंथ यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कौन सा फंक्शन टू आर्ग्यूमेंट को लेता है, डंप फंक्शन हमारा लेता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है एक फंक्शन बना लिया है जिसका नाम है से और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलिंग की है और ये आपको पता है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें कि क्या होता है अगर हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या ले लेगा, ये वन ले लेगा टाइम की वैल्यू। पहला हमने मैसेज फाइंड किया, सॉरी मैसेज सेंड किया, तो मैसेज आपका से क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, हेलो आपका मैसेज के अंदर जाएगा और टाइम्स की वैल्यू कितनी आपकी वन है, तो इस कंडीशन में मैसेज में हमने क्या किया टाइम का क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो जैसे हम लोग मैसेज में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया आएगा हेलो। अगेन हमने वर्ल्ड सेंड किया और वर्ल्ड में हमने यहाँ पे टाइम्स की वैल्यू भी सेंड कर दी, तो इस कंडीशन में ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा जो कि मैंने आपको बताया था, इस कंडीशन में ये फाइव वाली वैल्यू लेगा, तो वर्ल्ड इंटू फाइव, तो वर्ल्ड ये कौन सा ऑपरेटर कह रहा था हमारा रिप्लीकेटिंग ऑपरेटर, तो ये नंबर ऑफ कॉपीज जितने भी हम यहाँ पर रिप्लीकेट करेंगे उतनी कॉपी हमें दे देगा, मतलब फाइव टाइम वर्ल्ड प्रिंट करके देगा, तो दोनों आंसर आएंगे हमारा हेलो और वर्ल्ड 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 वर्ल्ड, ठीक है, तो फाइव टाइम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए नंपाई का क्वेश्चन है, डायमेंशन निकालने का, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो देख ही रहा है यहाँ से वन डायमेंशन वन और यहाँ पे टू एरे है, तो डायमेंशन क्या आएगा आपका टू डायमेंशन इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें गिवन है एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें अमित सुन्नी और यहाँ पे लिखा है डिक्स डॉट अपडेट और शुभ टू, तो वो कह रहा है इसके जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, तो देखिए सिंपल सा है, अपडेट कर रहे हैं और जब भी हम अपडेट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका जो वैल्यू हमने अपडेट किया वो वैल्यू उसमें जुड़ के आ जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू किया वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इसमें एड होके आने वाली है, तो जैसे ये आपने किया है इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों ने सी और यहाँ पे चलिए मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका कि ये आपकी ये हो गए और अब वो कह रहे हैं इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने पे क्या आएगा, तो सिंपल सा है जो वो डिक्शनरी आपकी वो अपडेट हो जाएगी, तो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, 13 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और काफी डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग कर सके। नेक्स्ट हमारा अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल अ कंप्यूटर एक्टिविटी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका क्वेश्चन नहीं, एक तरह से M1 का क्वेश्चन आ गया है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा आई स्ट्रिप मेथड इज यूज्ड फॉर, जो आई स्ट्रिप मेथड होता है इसका यूज क्या होता है, ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ था, तो ये क्या करता है डिलीट ऑल द लीडिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिलीट करेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा ये एफ स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसमें आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आई है, ये भी स्मॉल रहेगा आपका, जो आई में वैल्यू आएगी आई इन रेंज और प्रिंट करेंगे क्या आई को, तो आई प्रिंट एंड इक्वल टू दिस, ये एक्चुअली वो इस तरह के सिंगल कोट्स हैं, याद रखिएगा आप, इस तरह से इसमें आएगा नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी आई की वैल्यू वन आएगी टू आएगी और फिर थ्री आएगी, ये हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को होमवर्क में दिया था और आप लोगों में से कुछ ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, तो ये थ्री पे ब्रेक कर देगा, तो क्या करेगा ये आपका थ्री तक तो ये प्रिंट करके देगा, तो आंसर क्या आएगा आपका वन टू थ्री। नेक्स्ट है हमारा इसमें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ एक सेट 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 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, सेट के भी क्वेश्चंस हैं, MLPC वगैरह दिया हुआ है, प्रिंट हमने इस तरह से किया है, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं इसका आपका आंसर क्या आएगा, 17 नंबर है तो वो पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें से देखिए इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा नन। नेक्स्ट है हमारा रॉ डेटा असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड, तो जो अपना डेटा अपन असाइन करते हैं वेरिएबल में वो क्या कहलाते हैं हमारे, जो वो हमारे लिटरल कहलाते हैं।
नेक्स्ट हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डुप्लीकेट्स आइटम आर नॉट अलाउड। देखिए सेट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से मैंने आप लोग के लिए तैयारी पूरी कर रखी थी कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए क्या पूछा, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, वन मिनट, सॉरी यहाँ पे लिखा है इन विच ऑफ द डेटा टाइप, इन विच ऑफ द डेटा टाइप डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। जी हाँ, नॉट अलाउड, तो लिस्ट में अलाउड है, डिक्शनरी में अलाउड है, लेकिन उस सेट में क्या था, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते थे। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे लिख भी दे देते तो क्या होता था, वो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू लेता नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, कौन वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब वही पूछ रहा है कौन सा वैलिड नहीं है इसमें। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक तो आपका क्या दिया हुआ है, दो नंबर नहीं है, एक अंडरस्कोर रहेगा, ठीक है। तो एक तो आपका दिया हुआ स्टूडेंट, ये भी वैलिड है, डॉलर भी वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है हमारा, 1 2 3, कोई भी हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये डॉलर नहीं है, नहीं तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा एस कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर, नहीं तो वो भी क्या होता इनवैलिड ही रहेगा, क्योंकि कोई भी सिंबल है सिर्फ हमारा डॉलर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, इफ वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, विच द एरर विल जनरेट, ठीक है। तो कौन सी एरर होगी, फाइल फाउंड एरर, फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज, ठीक है। ऑल मॉड्यूल मतलब स्टार, आपको पता है जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 9th चैप्टर था जो हमारा, जिसमें हमने मैथ मॉड्यूल पढ़ा, रैंडम पढ़ा, तो जब हमने आपको तीन पढ़ाए थे, पहला क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इम्पोर्ट मैथ, फिर पढ़ाया था फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट कोई पर्टिकुलर मैथ, और तीसरा पढ़ाया था ये वाला फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार। नेक्स्ट हमारा, सपोज अ लिस्ट विद नेम ARR कंटेन 5 एलिमेंट, यू गेट द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड एलिमेंट लेने के लिए, तो देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा ARR of 1, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स वाइज कर लेंगे तो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, सेकंड एलिमेंट के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, 1 इंडेक्स पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ कोड इज व्हाट, तो क्या कहलाता है, वो हमारा डीबगिंग कहलाता है, पता भी आप लोगों को। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, अब वो पूछ रहा है अगर हम रेंज को सिंपल इस तरह से पास करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा रहता है ये आपका, इसमें आएगा 0 1 2 3, ठीक है। तो आपको अगर चाहो तो आपको मैं एग्जीक्यूट भी करके बता देता हूँ, इसी पे करके बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, 0 4 आ रहा है, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 4, 1 मिनट, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके सामने आया है, ठीक है, जो भी आपके सामने है, तो रेंज 04, ठीक है। तो रेंज 04, अब ये कैपिटल क्यों होंगे, आप लोग जानते हो वर्ड पे जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो पहला लेटर क्या हो जाता है, उसका कैपिटल हो जाता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ही आया है। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे आएगा 0.4, ओके। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या है आपका, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट, अगेन हमसे आउटपुट पूछा गया है, ये भी ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको समझिए जरा इसको। 5 हमने यहाँ पे वैल्यू भेजी है, ठीक है, 5 वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे देंगे, तो इसके एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है, चलिए मैं इसमें ऑप्शंस बना देता हूँ जब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। या ऑप्शंस मैंने बताया पहला, या तो इसमें एरर आएगी, या तो इसका आंसर 50 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला, या इसका आंसर आपका 100 आएगा, या फिर इसका आंसर नन आएगा, ठीक है, मैंने बना दिया इसको। अब देखिए आप, सबसे पहले 5 यहाँ पे जाएगी, कैलक में जाएगी, ये क्या है 2 इंटू, और यहाँ पे ये किसका है हमारा, एक्सपोनेंट का सिंबल है, तो यहाँ पे 5 जो हम पास कर रहे हैं, तो 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी हमारी, 25, और 25 इंटू 2 50, तो आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 50 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगेन हमें एक कोड दिया हुआ है, और बहुत ही सिंपल कोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का कोड है, बहुत ही सिंपल हमसे कोड दिया हुआ है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे क्या है कि हमें यहाँ पे, हमने सबसे पहले वैल्यू सेंड की, और यहाँ पे जब हम वैल्यू सेंड करेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और 2 + 5 7 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड एक्स और ऑपरेशन, ठीक है, एक्स और ऑपरेशन ये होता है, वो कह रहा है इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, तो एक्स और ऑपरेशन आप लोग देख लीजिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी आर्गुमेंट अ पाइथन प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट फ्रॉम कमांड लाइन, ठीक है, तो एनी इसका आंसर है, कितने भी हम लोग कमांड लाइन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट स्टार, ठीक है, तो उसको कौन सा होता है हमारा, ओवल सिंबल होता है जो कि स्टार रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, एन एल्गोरिथम दैट टेल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड, ठीक है, तो इस तरह की एल्गोरिथम, जैसे हमारा रिकर्सन फंक्शन होता है वैसे एल्गोरिथम होती है हमारी, रिकर्सिव एल्गोरिथम या रिकर्सन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारा कौन सा होता है ये पूछ रहा है. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. इसमें सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा तब जाके. अब देखिए पहला लेटर कैपिटल हो गया लेकिन आप इसको स्मॉल ही समझिए, ये वर्ड की वजह से हुआ है. ठीक है, तो आप इसको स्मॉल समझिए, डेफ स्मॉल ही लिखा है मैंने. और यहाँ पे लिखा है, मान के चलिए ये मैंने लिख दिया रिटर्न. अब देखिए रिटर्न भी स्मॉल करना पड़ेगा, रिटर्न. और मैंने इस रिटर्न के अंदर मान के चलिए इस तरह से ये लिख दिया मैंने, ये किया मैंने. और इसके अलावा मैंने इसमें लिख दिया सपोज एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं ट्रिपल ए, और यहाँ पे मैंने बना दिया यहाँ पे मान के चलिए 55. तो अब वो पूछ रहा है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, तो आपको कैसे बताना है. ब्रैकेट में आप देखेंगे ब्रैकेट में क्या है, तो आपको दिख रहा है ट्रिपल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रिपल. नेक्स्ट ऑपरेशन टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जब हमारा कोई ऑपरेशन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीटेड होता है वो हमारा क्या होता है, लूप होता है. नेक्स्ट हमारा 35 नंबर का, अ प्रोसेस इज एक्सप्रेस इन फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में प्रोसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड मोड. कौन इनवैलिड मोड है हमारा पाइथन के अंदर, तो ए आर प्लस हमारा कोई मोड नहीं होता, बाकी तो अपेंड होता, रीड प्लस होता, डब्ल्यू होता, ये सब होते हैं. नेक्स्ट अगेन हमें दिया एक सीडो कोड दिया, इसको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो जब इसको, ये तो सिंपल सा कोड होता है, इसमें कुछ वो नहीं है. जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, इंटीजर ए ले लिया, ठीक है, फिर डू किया, फिर यहाँ पे प्रिंट किया, फिर नीचे फाइल लगा दी, तो मतलब इसमें कोई सिंटेक्स नहीं होती है, सिंपल सिंपल रहता है. तो इसका जो आंसर आएगा स्पेस रहेगा, इस तरह से एक वर्ड नहीं है, स्पेस है सभी के अंदर. तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 6543. नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड. ठीक है, अगेन हम सब खुद पूछा गया है, तो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या है. तो आउटपुट में देखिए सिंपल सा है, मैथ से हमने पावर फंक्शन को इम्पोर्ट किया और किया मैथ डॉट पावर. तो कुछ लोग इसका आंसर लगाएंगे 8, लेकिन ये 8 नहीं है, क्योंकि जब भी हम फ्रॉम मैथ लगाएंगे तो हमें यहाँ मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम डायरेक्ट इसको चलाएंगे पावर से तो ये चलेगा. तो जिसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा यहाँ पे कि इस तरह से आंसर आएगा यहाँ पे एरर द प्रिंट POW 2.3 स्टेटमेंट शुड, हाँ ये जो हमने दिया ना शुड बी दिस. ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, तो स्टेटमेंट शुड बी दिस. तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा आएगा ये द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट दिस. ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे एरर आएगी, अदरवाइज ये चल जाएगा. तो आंसर नंबर 38 हमारा बिल्कुल सही रहेगा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, टेस्टिंग इज नोन एज. ठीक है, टेस्टिंग क्या होती है हमारी, यहाँ पे स्टेज ऑल द प्रोजेक्ट इवैल्यूएटिंग डिलीवरिंग फॉर फाइंडिंग द एरर्स. ठीक है, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही रहेगा. ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी वो दो क्वेश्चन और आप लोगों के नेम्स वीडियो में आने वाले हैं. जो भी नेम्स आपके, जिन्होंने भी आंसर सही दिए हैं, वो नाम अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ कुछ ही देर में, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द दिस. ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. तो देखिए बहुत सिंपल है, आप लोगों को हार्ड नहीं लगना चाहिए. ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 3 है. यहाँ मतलब क्या है, 0+3 मतलब कि 3, तो यहाँ 3 इज लेस देन इट, यस, और a इक्वल टू a+1. तो a की वैल्यू कितनी है, 0 है. और a एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का इतना सा मतलब होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, a इक्वल टू a+1. तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 0, 0+1 से कितनी हो जाएगी 1, तो पहले 1 प्रिंट होगा. फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, जो हमने 3 थी वो कितनी होगी, 4, 4 इज लेस देन इट, यस, अगेन कितना होगा 2. तो हमें इससे मतलब नहीं है वैसे, बस हम इस स्टेटमेंट को लूप चलाने के लिए यूज कर रहे हैं. तो जब हम इसको देखेंगे फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, तो इस तरह से जब ये कंडीशन चलती जाएगी, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो एक्चुअल में ये लूप कितने टाइम चलेगा हमारा, 5 टाइम तक ये लूप हमारा चलने वाला है. तो आंसर इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द मेमोरी डज नॉट सिस्टम स्टोर अ पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो किस पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैक. नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ठीक है, वो पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है. तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे कमांड पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल सा आंसर आएगा इसका 16 आएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, उस ऑपरेटर के द्वारा हम लोग करेंगे. ठीक है, सिंपल एक्स वैल्यू 4, 4 इज डबल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2. ठीक है, तो लेफ्ट ऑपरेटर में हम लोग बाइनरीज वगैरह लिखते हैं. ठीक है, तो मैं एक बता दूंगा आपको किसी दिन, मतलब अभी आप जैसे देख रहे हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत रियर केस में आते हैं, और अगर आपको देखना हो तो एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली बताया हुआ है. ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाए थे ना, ऑपरेटर में मैंने बताया हुआ है किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं एक आध बार आपको और बता दूंगा, पहले आप लोग वीडियोज में देख लीजिए. नेक्स्ट, हाउ कैन बी क्रिएट ऑन एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको पता है लिस्ट को खाली ब्रैकेट में लिख दीजिए तो इस तरह से क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल. कौन सा मोड फाइल ओपन करने के लिए करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो आरडब्ल्यू हमारा करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीरो फंक्शन यूज इन नंपाई एरे। ठीक है, नंपाई एरे में जीरो फंक्शन क्या काम करता है, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल द एलिमेंट जीरो, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ एक फंक्शन लिया है डेफ आई क्यू इफ ए इक्वल इक्वल जीरो रिटर्न बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो आप लोग इसको सोल्व जरूर कर लीजिएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको सोल्व करवाया ना, वैल्यू आप ऊपर भेज दीजिएगा, इक्वल इक्वल होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आपको पता ही यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा विच फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग, कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, तो वो होते हैं हमारा रीड भी करता है, रीड लाइंस भी करता है, तो आंसर आपका आएगा रीड एंड रीड लाइंस दोनों, तो बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट। पहला हमने मोहन लिया हुआ है फॉर एन, इसमें मतलब मोहन की लेंथ कैलकुलेट कर ली, फिर इसको हमने क्या एक्स ऑफ आई में अपर किया, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा मोहन था वैसे ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ चेंज भी होगा तो यहाँ पे लेंथ ले रहा है। ठीक है, तो लेंथ में क्या आएगा, वो कोई फायदा नहीं है इसमें, आपका चेंज नहीं होगा इसमें आपका। एक काम करते हैं, चलिए इतना करने से बेटर है मैं आपको खुद ही एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, अब कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये वर्ड के सिंगल कोट्स है, तो हमें यहाँ पे पाइथन के लेना पड़ेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ये तो हमने क्या कर लिया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिया अपन ने और ये यहाँ पे एक्स डॉट अपर और प्रिंट किया। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखिए वही का वही आया ना मोहन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ, अपर लेवल का कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ, जैसे अब यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए इस तरह से चलाया गया था। नेक्स्ट है 49 नंबर का, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टू लिए है वैल्यू, और टू वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे टू इज ग्रेट लेस देन फाइव और कॉलन इस तरह से यहाँ पे गिवेन है। अब वो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा आपका टू। नेक्स्ट हमारा अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन दैट कंटेन वैलिड पाइथन कोड। पाइथन का क्या होता है, डॉट पी बाई। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है आप लोग इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है इसको देखिए जरा, वो पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोट दिस। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आप लोग की एक स्ट्रिंग पास की है फ्लोट के अंदर, तो फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को हटा के फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन यहाँ पर हमें एक आउटपुट दिया है, और यहाँ एफ हमारा फाइल हैंडल है, और फाइल हैंडल के जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा जीरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच मॉड्यूल इज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूजिंग रैंडेंट। रैंडेंट किसके अंदर होता है, हमारा रैंडम मॉड्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन हमें इसमें सिंपल सा शेप पूछा गया है कि इसका शेप क्या होगा, तो आपको पता है इसका शेप आपका आएगा 1.3। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो शेप ऑफ अ फंक्शन 1.3। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन फिर से दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ ऐसा हाई है नहीं है। 5.4 वैल्यू भेजी है, यहाँ पे कम हो जाएगी वो, क्योंकि ऊपर रहेगा ये, फिर जाके जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 9। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेबल आएगा, म्यूटेबल डेटा टाइप कौन इसमें म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, जिनमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेबल, तो सेट ही ऐसा है, क्योंकि सेट हमारा म्यूटेबल है, और फ्रोजन सेट हमारा इम्यूटेबल है, टपल भी हमारा इम्यूटेबल है। नेक्स्ट है द सिंटेक्स यूज टू रीनेम अ फाइल। ठीक है, कौन सा सिंटेक्स के द्वारा हम लोग रीनेम करते हैं, पहला वाला बिल्कुल सही है, ओएस डॉट रीनेम के द्वारा रीनेम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या आएगा, कुल मिलाकर हमसे साइज पूछा जा रहा है, नंपाई का क्वेश्चन है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे ए डॉट साइज से एलिमेंट के साइज बताएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। अगेन यहाँ पे स्लाइसिंग परफॉर्म की गई है। ठीक है, ये अगर कैपिटल एस रहेगा फिर तो स्लाइसिंग परफॉर्म करेंगे, 0 1, तो 1 2 3, और ये एक कम चलता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ए वाला बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट। कौन से फंक्शन के द्वारा हम लोग राइट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आपको पता है, यहाँ पर एक हमारा फंक्शन होता है, वो हमारा डंप फंक्शन होता है, तो डंप फंक्शन के द्वारा हम लोग राइट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक, यहाँ पे लिया है इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। ठीक है, ये आईओ है, एक्चुअली ये 1 नहीं है, ये है आपका आईओ, इनपुट आउटपुट इन फाइल। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें हमसे पूछा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड एरर, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट है हमारा इसमें फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर, किस लिए, बेटर प्रोग्रामिंग, इजी टेस्टिंग, इफिशियंट कोडिंग, तो आंसर रहेगा आपका ऑल, सभी में रहता है।
नेक्स्ट है हमारा फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो वो आपके होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप लोग ऑलरेडी अवेयर है और आप लोग बना भी चुके हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन हमसे पूछा है 2 by 2, 2.2 का, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम इसको करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 11 इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपका सेकंड रो में और सेकंड पे देख रहे हैं 0, 1, 2 में, और इसमें भी सेकंड एलिमेंट 0, 1, 2, तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा आपका, 11 रहेगा। मैंने नंपाई में बहुत डिटेल में ये सब बताया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन हमसे पूछ रहे हैं इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, तो प्रिंट में 2 + 2.2, और ये एक कुछ नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है इस वाले में, ये जैसा रहेगा बस आपका इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये भी गलत गिवन है, ये आपका सेपरेट होके आएगा 2, फिर ये भी कॉमा रहेगा, फिर ये भी कॉमा रहेगा इस तरह से, तो आपका आंसर आएगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिदम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। कैसे हम लोग एल्गोरिदम को कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो कैसे हम लोग सिंटेक्स में उसकी कोई रिक्वायरमेंट में नहीं होती है। नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, जहां होगा वही सही होगा, तो ये हो गया न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट है हमसे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, वो पूछ रहा है इस पाइथन कोड को हम इम्पोर्ट करेंगे, मतलब इसको जब हम लोग मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बाद जब हम इसको चलाएंगे तो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या है, फ्लोर लगा हुआ है तो पॉइंट वाला पार्ट हमारा ये छोड़ देगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, अब इस पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ दो एरे लिए हैं, पहले उनने फिर इसमें सॉल्व किया है, फिर इसके बाद इसमें यहाँ पे 2 को प्रिंट कर रहे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको क्लासेस में, 24 आंसर आएगा। नेक्स्ट है द सिंटेक्स ऑफ सीक इज फाइल _object.seek ऑफसेट, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स पूछ रहे हैं, तो जो होता है वो अपना रहता है रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रियर केस में पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है, इस कोड का हमारा आउटपुट पूछ रहे हैं, तो देखिए फाइल ओपन की है, राइट किया हमने वेलकम टू, और अगेन हमने यहाँ पर सीक मेथड किया, और हमने रीड किया है फाइल से, तो रीड करने पे जो हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे रीड करने पे 5 पे लिखा, तो 5 से हमारा ये रीड होगा, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मी टू इसमें हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एल्गोरिदम इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाती है, यहाँ पे जो 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्टिंग बोलते हैं, ठीक है, तो जो फ्लो चार्टिंग हमारा इसमें आंसर रहेगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए, क्योंकि क्या होता है हर लोग फ्री क्लासेस का बेनिफिट लीजिए, और लेवल गुरुजी पे तो ऐसा कंटेंट मिल रहा है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, काफी अच्छे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स भी आते हैं, आप लोग भी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, जो भी सबसे अच्छा कॉमेंट्स करेगा उसका कॉमेंट्स मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर भी किए हुए हैं अपने कॉमेंट्स, तो मैंने उन लोगों को जो कॉमेंट्स उसको शेयर भी किया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल सा था इसलिए मैंने बताया नहीं है, सिंपल सी डिक्शनरी थी, दूसरी डिक्शनरी में हमने यहाँ पे अपडेट किया है बी को, तो डिक्शनरी यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। 74 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपका फ्लोर ऑपरेशन होता है, ठीक है, फ्लोर ऑपरेशन से हमने इसमें फ्लोर ऑपरेशन लगाया, तो इसमें जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाला छोड़ देगा, तो कितना होगा 2 × 3 = 6, और यहाँ पे भी 2 × 3 = 6 होगा, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.4, ठीक है, तो यह आएगा आपका 3 - 4। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएटली टर्मिनेट द करंट लूप, वो कौन कर सकता है, हमारा वो फैसिलिटी हमारे पास ब्रेक के पास है। नेक्स्ट है हमारा द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, इसको तो बताने जरूरत ही नहीं है क्या होती है, हमारी एल्गोरिथम होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रॉम इम्पोर्ट फॉर्म ऑफ द इम्पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इम्पोर्ट के लिए कौन सी चीज यहाँ पे गलत हो रही है, तो देखिए इम्पोर्ट के लिए क्या गलत है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें द सिंटेक्स मॉड्यूल नेम ये तो सही है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे दिस फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है जो कि 79 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द, ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द, एक्चुअली ये कम्प्लीट नहीं है, ऑल द कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल द कैरेक्टर्स किस फंक्शन के द्वारा करते हो, तो रीड फंक्शन फाइल हैंडलिंग में होता है, आपने नोटिस किया होगा फाइल हैंडलिंग से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द विच वन इज नॉट द इज एट्रीब्यूट ऑफ फाइल, कौन फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है, क्लोज है, रीनेम है, मोड है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, सॉफ्ट स्पेस, मोड, क्लोज, रीनेम नहीं है इसमें एट्रीब्यूट फाइल का, ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका रीनेम। नेक्स्ट है हमारा इसमें 81 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर आउटपुट पूछ रहा है इस कोड का, आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, स्पेस है इसमें, तो मैं इसको सही कर देता हूँ क्योंकि ऊपर नंपाई है, तो स्पेस के साथ ही आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो कह रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले एरे कर लिया, फिर इन्होंने np.arrange है, अरेंज फंक्शन लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे 4, अब फिर क्या कर रहा है, एड कर रहा है, तो वो कह रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपल सा रहेगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इसका आउटपुट रहेगा।
नेक्स्ट हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर। पता है आपको कोई भी लेंथ हो सकती है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, तो इवॉल्व कोई कीवर्ड नहीं है, कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हमारा ये। नेक्स्ट हमारा विच सिंबल यूज टू राइट सिंगल लाइन कॉमेंट, पता है आप लोगों को हैश से हम लोग सिंगल लाइन कॉमेंट को करते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट वैल्यू डज द फाइल इवैल्यूएट टू, ठीक है कौन सी वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पूछ रहा है 85 नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 5 दी है, x इज लेस देन दिया है, फिर यहाँ पर आपका एक्चुअली माइनस नहीं है, ये आपका वही है सिम जो हम लोग क्या करते हैं सिंगल कोट्स यहाँ पे देते हैं इस तरह से। तो पूछ रहा है क्या रहेगा, तो देखिए जब इसको एग्जीक्यूट कर गए तो ये आपका इनफाइनाइट चलेगा, तो आंसर रहेगा इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर इन पाइथन, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेफ फंक्शन नेम से डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, ठीक है तो आपको पता है दोनों स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो 23 इसमें लिख के आने वाला है आपका, तो जो आउटपुट रहेगा वो कैसा आएगा 23, और ये भी आपका एक कैसा टाइप रहेगा अगर देखा जाए तो ये आपका स्ट्रिंग ही टाइप रहेगा, ठीक है तो जो आंसर आएगा वो आपका ये रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है अगेन अगर हम लोग इंट फंक्शन को प्रिंट में डायरेक्ट कर देंगे अगर हम लोग पास, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट, तो यहाँ पे दिया इफ 2 + 5 = 8 देन ट्रू एल्स फॉल्स, और इसके बाद उन्होंने किया प्रिंट ट्रू। अब देखिए ये जो एल्स जाएगा ये यहाँ जाएगा, और जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं मतलब जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने पर जो इसका आंसर आएगा वो आपको आएगा, पहले तो आएगा आपका फॉल्स, फिर उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ट्रू, ठीक है तो फॉल्स और ट्रू इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द आइटम क्यू, मतलब एक लिस्ट यहाँ पे गिवेन है, अब वो कह रहा है कि हमने इस लिस्ट में क्या किया है क्यू डॉट पीओपी, ठीक है यहाँ पे किया है क्यू डॉट पीओपी, यहाँ पे लिस्ट आफ्टर रहेगा, ठीक है ये थोड़ा सा मिस है, आफ्टर क्यू डॉट पीओपी और यहाँ पे बन, तो पीओपी जो बन हमने किया हुआ है, तो अब वो कह रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आएगा 3, 5, 20 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू रहेगी 1 मिनट पीओपी 1, हाँ तो देखिये 0 और 1, ठीक है 1 पे हमारा ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट पीओपी मेथड क्या करता है डिलीट करता है, तो ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट कर देगा, फिर हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द दिस, ये वही है जो मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था, एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करना है आपको एक्सपोनेंट के बेस पे, आंसर आएगा इसका आपका 9.8। नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, यहाँ मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो मैक्सिमम हमारा रहेगा वो रहेगा 254, ये मैक्सिमम फंक्शन के द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि आउटपुट क्या है, अब देखिए ये स्मॉल ही है, ठीक है ना, वो आपको पता है वर्ड की वजह से कैपिटल बन गए सारे, रहेंगे सारे स्मॉल ही, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10 और 1। नेक्स्ट है इन अ फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू टेस्ट द कंडीशन, किसके द्वारा हम लोग कंडीशन को टेस्ट करते हैं, कंडीशन हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, आपको पता है डिसीजन वह होता है हमारे पास, डिसीजन के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो डेफ यहाँ पे दिया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है, जब फॉर लूप लगाया तो उसके अंदर हमने फिर क्या किया प्रिंट आई किया और इसका यहाँ पे कॉलिंग किया, रजत और एज को हमने कॉल किया, अब वो कह रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए इसमें टाइप एरर आने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही तो है, आर्गुमेंट हमारा एक है, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी टाइप एरर आएगी। नेक्स्ट हमारा इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, एक्स की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे फिर हमने x की वैल्यू के बाद सॉरी 50 दी हुई है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल के x इज नाउ, अब देखिए ये जो x है आपका ये आपका कौन सा x रहेगा, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो x है वो क्या आपका लोकल वेरिएबल है, हम लोग प्रिंट कहाँ कर रहे हैं फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो कौन सी वैल्यू लेगा आपकी जो 50 लेगा, क्योंकि आपको पता है व्हेन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल आर सेम नेम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट प्रोग्राम कोड बाय और लाइन बाय लाइन, ठीक है कौन हमारा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है तो आपको पता है कंपाइलर एक बार में पढ़ता है लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है। 97 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अब आते हैं हम लोग 98 नंबर के क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए इम्पोर्ट सिस लिया हुआ है, ठीक है मॉड्यूल है हमारा SBIS, यहाँ पे किया शट डाउन मतलब STD आउट, ठीक है इस तरह से हमने लिया हुआ है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, वो कह रहे हैं इसके द्वारा कैसे करेंगे, तो वेलकम ऑल, इसका वेलकम अलग आएगा ऑल अलग आएगा, ठीक है तो वेलकम ऑल इसमें करेंगे। नेक्स्ट हमारा अ डिटेल फ्लो चार्ट इज नोन एज, ठीक है डिटेल फ्लो चार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिटेल फ्लो चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो डिटेल फ्लो चार्ट को हम लोग बोलते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। ओके 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो समय हो गया है वो समय हो गया है आप लोगों के नेम अनाउंस करने का और साथ ही साथ दो क्वेश्चन आप लोगों को नए देने का, ठीक है तो देखते हैं पहले कल का क्वेश्चन क्या था और किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, ठीक है तो कल का जो क्वेश्चन था ये तो हमारे पुराने थे, कल का जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट द मोड ऑफ इंटरेक्टिंग विद पाइथन, ठीक है, कौन पाइथन का कोई मोड नहीं है, तो आपको पता है हाइब्रिड पाइथन में कोई मोड नहीं था, तो जो आंसर है उसका रहेगा बी। नेक्स्ट इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, तो बिल्कुल सही बात है, जब भी हम जैसा भी वेरिएबल नेम लेंगे, अगर स्मॉल लेंगे तो स्मॉल का यूज करना पड़ेगा, कैपिटल लेंगे तो कैपिटल, तो यस, तो पहले का आंसर रहेगा आपका बी, और जो आपका दूसरा है उसका आंसर आपका रहेगा उसमें पहले का आंसर वी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड कोई मोड नहीं होता है, जो दूसरा वाला उसका आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। अब जो इन्होंने सही आंसर दिए हैं उनके नेम इस प्रकार हैं, प्रतिभा यादव फ्रॉम लाहौरी काशी, हर्षिका कश्यप फ्रॉम बरेली, प्रिया तिवारी फ्रॉम अयोध्या, रितेश उपाध्याय वाराणसी, रूबी मौर्य फ्रॉम पीलीभीत, ऋषि सिंह इटावा, ओवैस मिर्जा फ्रॉम बहराइच, गुत्रू यादव आजमगढ़ और राजा फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, इतने विनर्स हैं जिन्होंने हमारे बिल्कुल सही आंसर दिया, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज क्या है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे कुछ स्टूडेंट हमें लगातार दे रहे हैं, जो लोग भी नए आ रहे हैं तो देखिए जैसे ऋषि सिंह इटावा से ये नए स्टूडेंट है, गुत्रू यादव हमारे आजमगढ़ से ये भी नए स्टूडेंट, तो जो लोग भी नए नए आते जा रहे हैं वो लोग भी पढ़ाई पे और चैनल में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दूसरी बात आती है आप लोगों की कि यहां पर आज के क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का, इन विच ईयर पाइथन लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, ठीक है, किस ईयर में आपकी पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड हुई है, तो आपको पता है जो पाइथन आपकी कब डेवलप्ड हुई आपको बताना है। दूसरा, पाइथन लैंग्वेज किस भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, जो भी आंसर आप लोगों को देना है आपको 12 बजे से पहले देना है, मैं वीडियो आप लोगों की जो क्लास आएगी आज वो आपकी जैसे 6 बजे क्लास आई है, तो आप लोगों को इसका आंसर आज 12 बजे से पहले पहले देना है, तभी आप लोगों का नेम कॉमेंट्स में आएगा और वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। आप चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे हमारा है, जैसे कि इसमें लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी हमें गिवन है, यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया, फिर हमने A+1 किया हुआ, उस पर हमने इंडेक्सिंग की है, तो जो आपका आंसर रहेगा करने के बाद यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक पोजीशन बढ़ेगी और फिर हम उसमें जब प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6, ठीक है। तो आज की मैराथन क्लास में हम लोगों ने अपने टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए, और ज्यादा से लोगों को शेयर करिए और फ्री क्लासेस का बेनिफिट लीजिए, प्लस ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को, बाकी आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, और ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ या आपको एक तो आपको व्हाट्सएप से ले सकते हैं आप पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा, पूरे जितने भी आपके हमारे जो सेट पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं 6 जून के बाद जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं वो आपको पूरा लेना पड़ेगा, तो बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, इसको आपको 499 रुपीज में मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल सेट पेपर हमने तैयार किए हैं जो कि 7 से 8 सेट पेपर है, लगभग आपको इसमें अगर आप 499 रुपीज का परचेस करेंगे तो आपको इसमें 1000+ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, 1000+ क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, और 199 रुपीज के पाइथन के नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को अलग से मिलेंगे, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन हम लोगों ने अलग से बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रही आप लोगों के कंटिन्यू आप लोग वॉच कर ही रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, वीडियो में नेम आपका अनाउंस मैंने कर ही दिया है, फिर हम लोग चलते हैं अपने, मिलते हैं फिर अपने दूसरी क्लास में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रहेगा वहां सेट पेपर नंबर 16 रहेगा, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को कोई M1 का भी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना, एक आध वीडियो M1 की भी आने वाली है, नोट जो भी आप लोग के यहाँ पे MCQ रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।